सूर्य सोमो यम कालो महाभूतानि पंचचो एतेषु पाच। ये तस्वीरें इसी साल 19 फरवरी की है जब मुस्लिमों के गढ़ संबल में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की नींव रखी थी। सपा के गढ़ में जाकर पीएम मोदी ने संभल में बन रहे भव्य कल्कि धाम की आधारशिला रखी तो सारी दुनिया देखती रह गई। ऐसा करके भाजपा का इरादा न सिर्फ मुस्लिम बल्कि यादव और दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी करने का था, बल्कि भगवान कल्कि के सहारे हिंदुत्व की बैसाखी से संभल का दरिया पार करने का भी था। अब मौका है तो बस आखिरी वार करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख है कि भगवान विष्णु हर युग के अंत में अवतार लेकर धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं। वो अब तक 9 अवतार ले चुके हैं और अब कलयुग में उनका 10वां अवतार होना बाकी है। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार लेकर अधर्मियों का नाश करेंगे और फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। दावा है कि अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है, इसलिए अभी कल्कि अवतार के होने में काफी समय बाकी है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार यानी कल्कि अवतार संभल गांव में होगा। ऐसी मान्यता है कि यूपी के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव ही वो जगह है जहां भगवान का 10वां अवतार होना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम अचानक आपको कल्कि अवतार और संभल के बारे में क्यों बता रहे हैं, तो सुनिए, ये तो आप जानते ही हैं कि देश भर में इस वक्त लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब आने वाली 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होना है, जिनमें से एक संभल लोकसभा सीट भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद संभल में सपा की साइकिल चल पड़ी थी और पार्टी के दिग्गज नेता शफीकुर रहमान बर्क ने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उसका भाजपा और बसपा से कड़ा मुकाबला है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सपा और बसपा दोनों के उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जबकि भाजपा भगवान कल्कि के सहारे संभल का मैदान फतह करना चाहती है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या सपा की साइकिल पंचर करके भाजपा संभल में कमल खिला पाएगी? इसके लिए आपको हमारी आज की एक खास रिपोर्ट पूरी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको थोड़ा संभल के इतिहास के बारे में बताते हैं। संभल लोकसभा सीट साल 1977 में अस्तित्व में आई थी। तब से संभल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ने जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल, सपा, बसपा और भाजपा जैसी सभी पार्टियों के नेताओं को विजेता बनाया है। हमेशा से यादवों का गढ़ मानी जाने वाली संभल लोकसभा सीट पर 2014 में मोदी लहर के चलते पहली बार कमल खिला था, लेकिन तब भी बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सैनी 5000 वोटों के मामूली अंतर से ही जीत पाए थे। अब बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो उस वक्त भी पूरे देश में मोदी लहर थी, लेकिन तब संभल ही ऐसा जिला था जहां उस लहर का कोई असर नहीं हुआ था। उस चुनाव में बुआ और बबुआ ने मिलकर चुनाव लड़ा था और सपा उम्मीदवार शफीकुर रहमान बर्क ने संभल सीट पर बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। अब इसकी सबसे बड़ी वजह थी वहां के मुस्लिम वोटर्स। 18.92 लाख मतदाताओं वाले संभल लोकसभा क्षेत्र में अकेले मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 9 लाख से ज्यादा है। मुस्लिमों के अलावा 3 लाख दलित, 1.5 लाख सैनी, 1 लाख जाट, 1 लाख ठाकुर, 80,000 यादव, 80,000 वैश्य, 70,000 ब्राह्मण और कुछ दूसरे वर्ग के मतदाता हैं। आधी से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली संभल सीट पर इस बार का चुनाव बेहद रोमांचक और त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि पिछले चुनाव में सपा और बसपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार यहां भाजपा, सपा और बसपा के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। संभल से पिछला चुनाव जीतने वाले सपा के दिग्गज नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद सपा ने उनके पोते जियाउर रहमान बर्क पर दांव लगाया है। जियाउर रहमान कुंदरकी से विधायक हैं और मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में लाने के लिए अतिवादी मतलब एक्सट्रीमिस्ट बयानों का सहारा लेते हैं। वो कई मंचों पर खुलेआम मतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन जैसे दबंग नेताओं को अपना रोल मॉडल तक बता चुके हैं। धार्मिक कट्टरवाद का दामन थाम कर वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर मुस्लिम मतों का बंटवारा न हो सके। वहीं दूसरी तरफ बसपा ने पूर्व विधायक सौलत अली पर दांव लगाया है जो शेखजादा बिरादरी से आते हैं।
तीसरे नंबर पर सपा के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी है, जिसने परमेश्वर लाल सैनी को मैदान में उतारा है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि संभल में भाजपा अकेले यादव मुस्लिम को नहीं बल्कि दलित और अति पिछड़ा वर्ग को भी अपने पाले में लाना चाहती है। इसके लिए पहले से ही बिसात भी बिछाई जा चुकी है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी को श्री कल्की धाम मंदिर की नींव रखी थी। यहां पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद के प्रभावशाली समर्थन से बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। अब पार्टी के शीर्ष नेताओं को ये उम्मीद है कि हिंदुत्व कार्ड को उच्च जाति के ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य के साथ साथ गैर यादव, ओबीसी, गुर्जर, लोध, कुर्मी, जाट और दलितों का पुरजोर समर्थन मिलेगा। संभल में इन सभी समुदायों की गिनती 50% से ज्यादा है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि संभल हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में दो बार संभल सीट जीती थी। बाद में उन्होंने अपनी सीट अपने भाई रामगोपाल यादव को दे दी और खुद मैनपुरी से चुनाव लड़े और जीते। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने भी परिवार का दबदबा कायम रखते हुए 2004 में संभल लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। अब अगर बात करें मैनपुरी की, तो मुलायम सिंह यादव जब तक जिंदा रहे मैनपुरी से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। उनकी मौत के बाद यादव परिवार की बहू डिंपल यादव मैनपुरी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ी और संसद तक पहुंची। हमेशा की तरह इस बार हो रहे चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि उसका तुरुप का इक्का यानी MY फैक्टर जरूर काम करेगा। पार्टी को यादव और मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे ही सीट बचाने की उम्मीद है और इसीलिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बर्क की मौत के बाद निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया, जनसभा की और सोच समझकर शफीकुर रहमान के पोते को चुनावी मैदान में उतारा। दूसरी तरफ मायावती की पार्टी बसपा भी दलित मुस्लिम फॉर्मूले पर काम कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने इंडिया गठबंधन के समर्थक यानी सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए संभल समेत आसपास की सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। बसपा उम्मीदवार सौलत अली 1996 में मुरादाबाद पश्चिम से विधायक रह चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार संभल लोकसभा सीट पर ठीक 2014 जैसे चुनावी समीकरण बन गए हैं। तब भाजपा से सैनी समाज के सत्यपाल सैनी, तुर्क के रूप में सपा उम्मीदवार शफीकुर रहमान और पठान उम्मीदवार के रूप में बसपा से अकीलुर रहमान थे। इस तरह मुस्लिम वोटों में बंटवारे का सीधा फायदा भाजपा को मिला और सत्यपाल सैनी जीत गए थे। उसी फॉर्मूले को समझते हुए भाजपा को जीत की राह आसान लग रही है, क्योंकि इस बार भी सैनी समाज से परमेश्वर लाल सैनी, तुर्कों से जियाउर रहमान बर्क और शेख ज़ादा बिरादरी से सौलत अली उम्मीदवार हैं। यानी फिर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा और भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। संभल लोकसभा सीट में आने वाली कुल 5 विधानसभाओं में से 4 पर सपा का कब्जा है, जबकि 1 विधानसभा सीट चंदौसी भाजपा के पास है। अब यहां से माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी विधायक हैं। सपा की उम्मीदें मुस्लिम यादव वोट पर टिकी हैं, जबकि भाजपा मोदी योगी की डबल इंजन सरकार के नाम पर कमल खिलाने का सपना साकार होता देख रही है। वहीं बहन मायावती की नजर हमेशा की तरह दलित और मुस्लिम मतदाताओं पर है। अब अंत में बात कल्की धाम की। कांग्रेस से निकाले जा चुके नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यहाँ भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की भगवान से जुड़ा भव्य मंदिर बनवाया है। आचार्य प्रमोद की इस इलाके में अच्छी पकड़ मानी जाती है, जो अब बीजेपी के काम आ सकती है। अब भाजपा में शामिल हो चुके आचार्य प्रमोद और कल्की धाम के सहारे ही मोदी सरकार इस क्षेत्र में धार्मिक और राजनीतिक तौर पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए आचार्य प्रमोद कृष्णन की माने तो काशी, अयोध्या और मथुरा की तर्ज पर ही कल्की धाम को देश के बड़े धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इन सब बातों को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा का ये दांव वेस्टर्न यूपी की सियासत पर सकारात्मक असर डाल सकता है, क्योंकि माना जाता है कि यूपी वेस्ट का वोटर क्षेत्रीय दलों से जुड़े अलग अलग गुटों में बंटा हुआ था। लेकिन भाजपा का कल्की दांव हिंदू वोटर्स को कितना एकजुट करेगा और पार्टी को जिताने में कितना बड़ा रोल प्ले करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।